टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्यूप्रम मेटेलिकम, होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूप्रम मेटेलिकम। माई नेम इज डॉक्टर प्रीति गुप्ता। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी आर ऑफ यू क्यूप्रम मेटेलिकम स्टार्टिंग इन इंट्रोडक्शन। क्यूप्रम मेटेलिकम ये मेडिसिन कॉपर से बनी होती है। क्यूप्रम मेटेलिकम एक ऐसी रेमेडी है जो कॉपर से बनती है, मीन्स तांबा से बनती, जो तांबा होता है। मतलब पुराने ज़माने में लोग तांबे में पानी पीते थे जिससे कि स्टमक डिसऑर्डर नहीं हो, मतलब उससे पेट का डाइजेशन अच्छा रहता था, इसलिए लोग ऐसा पीते थे ये पानी इसी में। तो इसी तरह ये मेडिसिन इनडाइजेशन के लिए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर कोलेरा। मतलब कि ये मेडिसिन जैसे किसी को कोलरा हो गया है या कम्युनिटी में कोलरा अगर फैला हुआ है तो ऐसा प्रिवेंटिव इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। और जो लोग, आप लोग ये देखे होंगे अक्सर, जो लोग तांबे के फैक्ट्री में वर्क करते हैं उन्हें कोलरा होने का चांसेस नहीं रहता। तो मतलब कि क्यों उनको नहीं रहता, क्योंकि वो कोलरा में ऑलरेडी वो ऑक्यूपेशनल उनका मतलब जो डिसीज होता है वो नहीं होता उनको, क्योंकि उनको इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम उन्हें नहीं होती है। या अगर कम्युनिटी में अगर जैसे कि नाउअडेज़ कोरोना फैला है तो ऐसा प्रिवेंटिव मेडिसिन हम आर्सेनिक एवं अदर मेडिसिन भी दे रहे हैं। जस्ट लाइक इसी तरह जब कोलरा अगर होता है, अगर ये बीमारी फैली हुई है तो उसमें हम ये क्यूप्रम मेटेलिकम मेडिसिन दे सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव। और इसमें ये भी है कि इस डिसीज में यदि किसी को, मतलब किसी का अगर मेन मेडिसिन तो ये रेस्पिरेटरी पे एक्ट करता है और एलिमेंट्री कैनाल पे इसका यूज होता है, GIT पे यूज होता है। और ये मेन, और जैसे किसी को पार्किंसन डिसीज है और जैसे कि कोरिया बीमारी, मतलब डांसिंग डिसीज है, कन्वल्सन्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पाजमोडिक, इसका की पॉइंट्स स्पाजम ही है। मतलब इसके बॉडी में इसको कन्वल्सन, क्रैम्पिंग, स्पाजमोडिक मीन्स नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, अगर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है ये। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर में अगर कई अबनॉर्मलिटीज देखी जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। और इसमें ये देखेंगे कि मेन होपिंग कफ के लिए भी होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और इसमें ये जो कन्वल्सन्स और जो हमारा जैसे कि कोरिया और एपिलेप्टिक के कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है, और इसमें एपिलेप्टिक आने से पहले इंसान को पहले महसूस हो जाता है, मींस ऑरा आता है। मतलब उसको ऑरा कहाँ, मतलब उसको ऑरा मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में आता है, मींस मतलब टो से लेके अपर हेड तक, मतलब उसको पहले कोई भी डिसीज, मतलब कोई सुनसुनी, झंझनाहट, नमनेस कुछ, मतलब उसको फीलिंग हो जाएगा कि मुझे एपिलेप्टिक आने वाला है, मुझे मतलब एपिलेप्टिक मतलब उसे मतलब मिर्गी आने वाला है, तो उसको एहसास हो जाता है, मीन्स ऑरा आता है। जैसे उसको नी में उसको वो मतलब कि सनसनी टाइप से, उसको कुछ झुनझुनाहट टाइप से उसको स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेडिसिन उसके पहले ही अगर दे दिया जाए तो वो मिर्गी आने से वो प्रिवेंट हो सकता है और उसको एपिलेप्टिक नहीं आ सकती है। और जैसे कि इसमें कुछ वुमेन्स जैसे कि फाल्स स्टमक पेन होता है, जैसे जो जिन वुमेन के 3-4 बच्चे होते हैं तो उनको अगर कंटिन्यू अगर आफ्टर डिलीवरी उनको पेन ना रहता है तो उसमें ये मेडिसिन देने से उनको आराम, रिलैक्स मिलता है। और जैसे कि पर्सन को नौसिया हो रहा है, नौसिया ट्रबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैंटनेस महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, तो इसमें इनको अगर अगर और उसको ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, मतलब इसको एम्यूरेशन, मतलब अगर उसको अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, अगर स्टमक में प्रॉब्लम हो और उसे ठंडे पानी से अगर वो पीने से उसको अच्छा लग रहा है तो ये दवाई देने से, मतलब ये दवाई वेरी इफेक्टिव मेडिसिन होगा उसके लिए, उस पर्सन के लिए। जैसे उसको स्टमक में भी देखते हैं तो उसको हिक्कप्स आता हो, और हिक्कप्स तो आ रहा मीन्स हिचकी आ रहा हो, और हिचकी के साथ उसको स्पाज में भी आ रहा, जैसे उसका स्पाज में स्टार्ट होता है, उसको फिंगर से स्टार्ट होता है, फिंगर से, थंब से, थंब क्लिंच हो जाते हैं, फिंगर फ्लेक्सर हो जाते हैं, उसमें फिंगर मतलब फ्लेक्स हो जाते हैं, वहां से इसको स्टार्ट होता है। और इसमें फीमेल्स में भी देखते हैं तो उसमें स्पाजमोटिक डिस्मिया भी होती है, और क्रोनिक सोरियासिस में ये गुड रिजल्ट भी देता है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा दिन से किसी को बहुत ज्यादा सोरियासिस बहुत लंबे टाइम से अगर हो रहा है, पूरी मेडिसिन देके अगर ये देके थक चुके होते हैं, तो अगर हम क्यूप्रम मेटेलिकम देते हैं तो वेरी इफेक्टिव मेडिसिन होता है। और ये बच्चे मतलब रेस्पिरेटरी में भी देखेंगे कि जैसे कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा खांस रहा है, वो भी इसका नाइट में ग्रेवेशन होता है, और रात में जैसे इतना खांसते वो ब्लूनेस, एकदम नीला बच्चा पड़ जाता है, मतलब फैंटनेस से उसका स्टेट आ जाता है। अगर बच्चे में अगर बहुत ज्यादा उसको रोते रोते सांस फूल गया, अगर खांसते खांसते एकदम नीला पड़ जाए, तो ये मेडिसिन वेरी इफेक्टिव मेडिसिन होगा।
और ये पार्किंसन डिसीज में भी होगा, जिनको बहुत ट्रिम्बलिंग होता रहता है, बहुत ज़्यादा उनको झुक के अगर पर्सन चल रहा है उसका ये कंडीशन, मतलब अगर नर्वस एबनॉर्मलिटीज अगर होती है तो ये मेडिसिन देने में तो पर्सन बहुत अच्छे से रिलैक्स फील करता है। और इनको अगर स्टमक में स्पाजम हो रहा है तो उसमें अगर ठंडे पानी से उसको आराम मिल रहा है तो ये मेडिसिन आसानी से दे सकते हैं। और इसमें अगर हम ये भी देखें कि अगर पर्सन कैसा होना चाहिए, इसमें इसका पर्सन अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, मतलब फिजियोइकोनॉमिक उसका देखते हैं, तो पर्सन राउंड फेस का होता है और थिक हेयर वाला होता है और मूवमेंट इसकी अर्ली रहती है, मतलब कि इसको मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट अगर इसमें रहती है, जर्कीनेस होता है उसमें। और देखेंगे इसमें कि अगर फोरहेड में उसकी रिंकल्स है, मतलब कि फरू, मतलब फोरहेड इसकी चौड़ा अगर होता है, अगर पर्सन देखेंगे फोरहेड उसका चौड़ा होगा, फरोज टू लाइन के हैं, तो ये मेडिसिन से इस मेडिसिन को समझ जाएंगे कि ये पर्सन क्यूप्रोमेटेलिकम का पर्सन है। और इसके जस्ट लाइक अगर यही फरू अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप है तो वो लाइकोपोडियम का पर्सन हो सकता है। और पर्सन बहुत एग्रेसिव नेचर का भी होता है, रिजर्व भी रहता है और मेटिकुलस भी होता है, मीन्स फिक्स आइडिया का होता है, रूल्स रेगुलेशन हमेशा फॉलो करता है और फास्टिडियस नेचर का भी होता है। और इसमें कि ये देखेंगे कि पर्सन का अगर अब हम मेंटल अगर इसका देखते हैं तो मेंटल इसका पर्सन का मेंटल मतलब कि माइंड कैसा होता है, जनरली देखा जाए इसके ऊपर मेंटल का मेडिसिन का जो पर्सन होता है उसका पर्सन मतलब वही फर्स्ट जैसे मैंने बताया कि मेटिकुलस होता है, मीन्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, फास्टिडियस नेचर का होता है, डेलीजेंसी होता है, वर्क मतलब जो भी वर्क करता है एकदम टाइम पे पूरा करेगा, और एग्रेसिव नेचर का होगा, इमोशनल होता है और सप्रेशन होता है इसमें, मतलब फाइटिंग फियर ये सब भी होता है। इसको सप्रेशन करने से ही इसका कॉग्निटिव एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट्स फॉर्म जो होता है पर्सन को, मतलब क्या कारण है ये पर्सन को, मतलब स्पाजम हो रहा है, कन्वल्सन्स हो रहा है, मतलब वो इरप्शन या स्किन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, उसको सप्रेस कर लिया हो, या कि उसे बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नेचर का अगर हो तो ऐसा पर्सन क्यूप्रोमेटेलिकम का पर्सन होगा। और इसमें अगर हम या इसमें मतलब कि इसमें जो भी या बच्चा हो या बड़े हो, अगर बहुत ज़्यादा उनको एग्रेसिव नेचर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती हो, मतलब पुलिंग रूब्रिक्स भी इसमें एक है, पुलिंग द हेयर टू सम मून्स, अगर किसी का हेयर वो गुस्सा की वजह से अगर खींच रहे हैं या खुद का भी खींच रहे हैं तो ये हमारा रूब्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टाइजेशन में इसको मेडिसिन को सर्च करके दे सकते हैं आसानी से। और इनका नर्वस सिस्टम जैसे मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम में इनको एपिलेप्टिक होता है, कन्वल्सन्स होता है, एपिलेप्टिक अटैक इरप्शन के सप्रेशन के कारण होता है, और टॉक्सिक नेचर का भी अगर होता है तो नर्वस सिस्टम मतलब उनका पूरा अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण इनको कन्वल्जन ऑरा आता है, स्पाजम होता है। और ये इनको जनरली देखा जाएगा मॉडलिटीज भी अगर देखते हैं इनका, ये ज़्यादा मतलब ओवर्ट्स कब होते हैं, नाइट में होते हैं, रात के 3 बजे मिड नाइट में इनको प्रॉब्लम बढ़ती है। और इनका जैसे अगर इनको मसल्स का और इनको स्पाजम तो मैंने बताया, मतलब मसल्स में स्पाजम आता है, मतलब मेन एक्शन इसका स्पाजम में हो गया, नर्वस सिस्टम में हो गया, बहुत ज़्यादा इसका मतलब इफेक्ट मसल्स में होता है क्योंकि इनको स्पाजम नर्वस सिस्टम में कन्वल्सन्स आने लगते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एक्सपेक्ट्रोशन इनका जो होता है मतलब लिटिल होता है इनका, मतलब अकोकस अटाइवा का इसमें जो देखेंगे उसमें मच एक्सपेक्ट्रोशन होगा, और इसमें कॉस्टिकम और क्यूप्रोमेटेलिकम ये दोनों में लिटिल, ये 3 मेडिसिन ऐसे हैं, मतलब अगर कप में अगर जिनको मतलब पानी पीने से आराम होता है, ठंडे पानी पीने से अगर आराम हो, कप मतलब उनको रेस्पिरेटरी में अगर कफ हो रहा हो बहुत ज़्यादा, और इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट्रोशन इनको मच एक्सपेक्ट्रोशन होता है तो ये हम कोकस में देंगे, कोकस एक ड्रग होती है उसमें, अगर मतलब कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कोकस अटैवा और कॉस्टिकम और क्यूप्रम मेटेलिकम इन 3 मेडिसिन में अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा मच एक्सपेक्ट्रोशन हमारा कोकस में होता है और अदर्स 2 मेडिसिन में लिटिल एक्सपेक्ट्रोशन होता है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर और इनको हेड में अगर क्या इनको हेड में भी अगर स्पाजम मेनिनजाइटिस अगर इनको सेंसेशन मतलब ऐसा होता है सेंसेशन एस इफ वेयर वाज द पॉड ओवर द हेड, मतलब कुछ जैसे कि घट घट की आवाज़ गार्गलिंग आवाज़, जैसे स्टमक में अगर ठंडे पानी पी रहा है तो उसको मतलब उसको इंसान को ऐसा पता चलेगा कि पानी हमारे पेट के अंदर घट घट की आवाज़ के आ रही है, मतलब ये भी एक की पॉइंट है, गार्गलिंग साउंड निकलता है इसमें, तो इससे पर्सन ये होता है क्यूप्रोमेटेलिकम का पर्सन। और इसमें इसका ये भी देखेंगे कि
जी आईटी और रेस्पिरेटरी तो मेन एक्शन है। और इसमें ना जो अगर एक्सट्रीमिटीज में अगर हम देखें तो इनको जर्किंग, ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, कोल्डनेस ऑफ द हैंड्स, क्रैम्स इन द पाम्स, ग्रेट वियरीनेस ऑफ लिम्स, क्रैम्स इन काफ्स एंड सोल्स, इनके क्रैम्प भी सोल्स में हो रहे हैं, काफ्स में हो रहे हैं, और एपिलेप्सी ऑरा बिगिंस इन द नी, मतलब एपिलेप्सी इनको जब स्टार्ट होना होता है तो वो नी से स्टार्ट होता है, नी में उनको थोड़ा झंझनाहट होगी, और क्लिंचेड थम्स होगा, थम भी क्लिंच करेगा, क्लोनिक टोनिक स्पाज्म होगा, बिगनिंग इन द फिंगर्स एंड टोस, मतलब फिंगर और टोस है इनका जो अगर एपिलेप्टिक की कंडीशन आने वाला है, मेरे के इंसान को आने लगा है, तो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होगा, फिंगर से होगा और टो से होगा, जिससे मतलब कि इनको वो फिर दिखेगा कि कोरिया डिसीज है, मीन्स डांसिंग डिसीज है। और इनको जैसे कि एक साइनोस्ड पर्सन हो जाता है, बिल्कुल एकदम ब्लूनेस हो जाता है, स्पाज्म के कारण होता है। और इसमें ये भी देखेंगे कि हम कुछ रूब्रिक्स भी अगर देखते हैं, जैसे बताए थे हमने कि डिजायर टू द हेयर पुलिंग और रिंकल्स आर द फोर हेड्स, मतलब बहुत ज़्यादा रिंकल्स इनको फोर हेड में अगर हो, वही टू फरू मैंने जैसे बताया था, और इनका एक्शन तो मसल्स पे है ही है। और ये क्या होता है, ये मिनरल्स किंगडम की मेडिसिन है, तो ये हार्ड मेटल्स होते हैं, जैसे हार्ड मेटल्स में जैसे हमारा कि ऑरा मेटेलिकम अदर्स आता है, प्लेटिनम आता है, और जैसे क्यूप्रो मेटेलिकम है ही है हमारा, फेरम मेट होता है, मर्कसोल, जिंक, पैलेडियम, ये सब हमारे हार्ड मेटल्स हैं। जस्ट लाइक इसमें सॉफ्ट नेचर के, जैसे हमने पढ़ा है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है, एलुमिना मेडिसिन है, तो ये सॉफ्ट नेचर की मेडिसिन है, इनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्यूप्रम सल्फ से, क्यूप्रम आर्स से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इनका अगर रिलेशनशिप, जैसे मैंने देखा कि अगर इसको एंटीडोट करना हो, अगर इससे अगर पर्सन को अगर एंटीडोट करना हो, अगर इससे पर्सन एग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा, उनको ये दवाई सूट नहीं किया, तो एंटीडोट करना हो तो उनको वेलाडोमा दे सकते हैं, इपार सल्फ दे सकते हैं, और कैम्फर भी दे सकते हैं। कॉपर इज फाउंड इन डलका मारा, मतलब डलका मारा में भी ये फाउंड होता है, स्टेफेनम में भी होगा। और इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री इसका देखेंगे तो इसको कैल्केरिया ग्रुप में मेडिसिन होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारा होगा ये मेडिसिन। और इनका अगर हम कंपेयर भी करते हैं, जैसे कि बताया कि हमने क्यूप्रम सल्फ्यूरिकम से कर सकते हैं, वेस्ट मेडिसिन है ये भी, तो मीन्स हम क्यूप्रम मेटेलिकम में यही हमने देखा कि इसमें स्पाजमोटिक अफेक्शंस, क्रैम्स, कन्वल्सन्स, बिगनिंग इन द फिंगर्स एंड टोस, वायोलेंट कॉन्ट्रैक्टिव एंड इंटरमिटेंट पेन आर सम ऑफ द मोर मार्क्ड एक्सप्रेशंस ऑफ द एक्शंस ऑफ क्यूप्रा मेटेलिकम। इस क्यूरेटिव रेंज देयर फॉर इंक्लूड टोनिक एंड क्रोनिक स्पाज्म, कन्वल्सन्स एंड एपिलेप्टिक अटैक। कोरिया ब्रॉट ऑन बाई फ्लाइट नोसिया ग्रेटर देन इन एनी अदर रेमेडी इन एपिलेप्टिक ऑरा बिगिंस इन द नी एसेंट्स टू द हाइपोगेस्टियम, मीन्स इनका जो एसेंडिंग ऑर्डर में इनका प्रॉब्लम, अगर इनको एपिलेप्टिक की कंडीशन होने वाला है तो इनको मतलब नी से टो से स्टार्ट होता है, लेग्स के वहाँ से फिंगर से और हाइपोगेस्टियम लेयर तक जाता है, हाइपोगेस्टिक स्टेट तक जाता है, फिर इसके बाद इनको फिर पर्सन अनकॉन्सियस हो जाता है और फॉलिंग हो जाता है और फेंटनेस उनको होती है। सिम्टम्स मतलब डिस्पोज्ड टू द एपियर पीरियडिकली, मतलब कि पीरियडिकली होता है, मतलब इनका सिम्टम्स सेम टाइम पे बार बार वही अगर आता हो तो उसको पीरियडिकली कहेंगे। और इसमें कंप्लेंट्स बिगिन इन द लेफ्ट साइड, मीन अगर कंप्लेंट्स इनकी जो स्टार्टिंग होती है, जैसे मैंने बताया कि फिंगर से होती है और टो से होती है इनका स्पाजमोटिक कंडीशन, और ये भी देखेंगे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, जैसे लैकेसिस में भी होता है, तो ये मेडिसिन वेरी मतलब इफेक्ट मेडिसिन करता है क्यूप्रा मेटेलिकम। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.